नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले में उस वक्त थोड़ी अफरा तफरी मच गई जब मुजफ्फरपुर जीआरपी थाना का जो एक जवान है वो कोरोना पॉजिटिव मिला है। उस वक्त से सभी जवानों का जो टेस्ट है वो कराया जा रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी हैं वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब जीआरपी थाना में इस तरह के मामला सामने निकल के आया है तो प्रवासी श्रमिकों की लगातार हो रही घर वापसी की प्रक्रिया में रेलवे स्टेशन परिसर में तैनात पुलिस बल के जवान भी अब कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। मुजफ्फरपुर जीआरपी थाना से जो मामला निकल के आया है उसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। वहीं एक जवान के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एहतियात के तौर पर जीआरपी के सभी जवानों की स्क्रीनिंग भी सदर अस्पताल में शुरू करा दी जा चुकी है। जो मुजफ्फरपुर के डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि स्टेशन पर तैनात सभी कर्मियों के सेहत पर लगातार नज़र रखी जा रही है। क्या कुछ करें ज़रा सुनिए। नहीं, जो लोग पाए गए हैं जीआरपी थाना से, हम लोगों को एक मिले हैं रेल थाना से, तो उसको हम लोग तुरंत आइसोलेट कर दिए हैं। और उनके जो हाई रिस्क कॉन्टेक्ट में जो लोग थे उन लोगों का भी हम लोग लाइन लिस्टिंग करके उनका भी करा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर कोई उस तरह की स्थिति नहीं है, वो थाने में पाया गया था तो उसको हम लोग अलग कर लिए हैं। रेलवे स्टेशन हमारा ठीक है और लगातार उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। और जो प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रही थी उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई है, और ट्रेनों में जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आ रहे थे वो भी संख्या बहुत कम हो गई है दो दिन से। और 1 तारीख से रेगुलर कुछ ट्रेनें शुरू होने वाली हैं जो हमारे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से भी चलेंगी, उनके लिए भी जो ज़रूरी व्यवस्था है सैनिटाइजेशन है वो सब किया जा रहा है। सर, कंटेनमेंट जोन जो है वो उसका रेंज क्या है जो SKMCH में कंटेनमेंट? हम लोग जो है SDO और SDPO को अधिकृत किए हैं, वो सिविल सर्जन साहब से और अधीक्षक SKMCH से डिस्कशन करके वो लोग डिसाइड करेगा कि कितना डिस्टेंस और रेंज होना चाहिए, उसके अनुसार कार्रवाई करेगा। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार बिहार में जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम देश में बात करें तो देश में भी हर पल आंकड़े बढ़ रहे हैं। यदि हम तुलना करें अन्य देशों से भारत देश की, तो भारत देश भी अब कई मामलों में धीरे धीरे आगे जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो तेज़ी से किस तरीके से बढ़ा, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई, थोड़ी छूट दी गई ताकि लोगों को काफ़ी सुविधा हो, जो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं निजी ऑफिसेज में उनको थोड़ी आसानी हो। लेकिन कई जगह पर अभी भी लोग एहतियात कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में जो प्रवासी श्रमिक हैं उनका आना लगातार चल रहा है, और इसी का वो नतीजा निकल के आ रहा है कि मुजफ्फरपुर जीआरपी थाना में एक व्यक्ति जो वहाँ का जवान है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में देखिए अब एहतियात कदम जो है उठाए जा रहे हैं। यदि हम पटना की बात करें तो पटना BMP 14 में भी कई जवान संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद सभी जवानों की स्क्रीनिंग की गई थी। तो इसको लेकर के आपको थोड़ा सचेत रहना है। प्रवासी श्रमिक जो हैं वो अगले कुछ दिनों में भी और संख्या में आएंगे, तो ऐसे में आप एहतियात कदम उठाएं, खुद को सुरक्षित रखें, लोगों को भी बचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, क्योंकि हर अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई हम तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।